एक दिन का संग्राम फिर आराम ही आराम। क्या जनता के मुद्दों के मुकाबले पारिवारिक मुद्दों को ज्यादा तरजीह देती है कांग्रेस? वंडे मातरम। अब एजेंडा तय हो तो फिर बहस कैसी और कैसी चर्चा। जी गोदी मीडिया का हाल ही यही है। इससे पहले कि वो मुद्दा तय करते हैं, ये पहले ही तय हो जाता है कि किसे टारगेट करना है। गोदी मीडिया की नफरती और चरण चाकरी वाले एजेंडे का पता भी इस बात से चलता है कि गोदी मीडिया में हर दिन का एजेंडा किसी के हाथों पहले से ही तय होकर आता है, जिस पर बस तमाशा करने का काम गोदी मीडिया को करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर शाम सभी चैनलों का ना तो एजेंडा एक रंग में रंगा होता और ना ही सबकी भाषा एक दूसरे से मेल खा रही होती। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूँ सुम्बुलीरम। गोदी मीडिया किस तरह से इस देश के लोगों के सौहार्द भाईचारा और विपक्ष के पीछे पड़ा हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और छिपे भी कैसे, जब खुद गोदी में ही होड़ मची हुई हो कि कौन सबसे आगे निकलकर सत्ता का सबसे बड़ा समर्थक बनकर दिखेगा, और जब बेहयाई का आलम ही ऐसा हो तो आपस में मेकअप की लीपापोती कैसी भी हो और लाइट्स की स्टूडियो में सेटिंग्स कैसी भी हो, जबान पर जहर एक जैसा ही रंग छोड़े दिखता है, जहर का गहरा नीला रंग। अब देखिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी महंगाई, बेरोजगारी और ईडी की कार्रवाई, तीनों का मुद्दा लेकर। लेकिन गोदी मीडिया को सबके अंदर केवल एक ही बात समझ आई कि कांग्रेस परिवारवाद का झंडा लेकर ही सड़कों पर उतरी है। और इसी नजर के साथ सभी जहर नवीसों ने शाम का एजेंडा तय करना शुरू कर दिया और सबसे आगे निकलते हुए सबसे तेज चैनल की सबसे तेज एंकर चित्रा त्रिपाठी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को एक दिन का दिखावा घोषित करते हुए कुछ इस अंदाज में अपने शाम के काम को लोगों के सामने रखती हुई नजर आईं। एक दिन का संग्राम फिर आराम ही आराम। क्या जनता के मुद्दों के मुकाबले पारिवारिक मुद्दों को ज्यादा तरजीह देती है कांग्रेस? वनडे मातरम। चित्रा के इस वीडियो के सामने आते ही कांग्रेस के तरफ से भी बयान सामने आने लगे और कांग्रेसी प्रवक्ता ने चित्रा के इस अंदाज को देखते हुए ट्वीट किया कि जब आपने पहले ही सब कुछ तय कर दिया हो तो फिर किस बात और बहस की गुंजाइश बच जाती है। कांग्रेसी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सीधे सवाल करते हुए कहा कि जब कांग्रेस कई मुद्दों के साथ खड़ी है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है तो केवल एक ही मुद्दे को दिखाना आखिर कितना सही है। यह हाल चित्रा और आज तक वालों का ही सिर्फ नहीं है जहां एजेंडा सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन आज तक वालों के बारे में ये बात इसलिए नहीं समझ आती कि ये भक्ति किसकी और क्यों कर रहे हैं जब इनके ही रिपोर्टर को सड़कों पर इस तरह से खींचा और धकेला जा रहा है। जी आप जिस महिला रिपोर्टर को इस तस्वीर में देख रहे हैं वो आज तक की ही रिपोर्टर मौसमी सिंह है, जो अपने ट्विटर हैंडल से दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से की रोके जाने की बात करती हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इन सभी गोदी जीवियों को एजेंडा ऊपर से लिखकर भेजा जाता है, उसका एक नमूना चित्रा की बातों में दिखा, तो दूसरा नमूना हमें नमूनों में सबसे बड़ा नमूना अमिश देवगन के शो में दिखा, जहां बड़ी पट्टियों पर वही बात लिखी हुई दिख गई जो चित्रा की जबान से निकल रही थी। अमिश के शो की हेडलाइन में सवाल के नाम पर वही एजेंडा दोहराया कि परिवार के नाम पर एक दिन का संग्राम। जी आज तक पर जो सुना वो न्यूज 18 पर देख लीजिए, चैनल दो एंकर दो, लेकिन बात एक, अल्फाज एक, नियत नफरती और मतलब साफ कि सबको स्क्रिप्ट ऊपर वाला ही थमा रहा है, बस ये कलाकार अभिनय कर रहे हैं। तो आज तक और न्यूज 18 की इस कॉपी पेस्ट खबर नवीसी पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें।